बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ, इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी शुरू है कि आज काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन काफ़ी महीनों के बाद आज बनाने लगी हूँ मैं ये दाल। ये दाल किस चीज़ की है? ये दाल है मूंगी की। तो बच्चे भी खुश होकर दाल खाते हैं, तो मेरा अपना खुद का भी दिल कर रहा था तो ये बनाती हूँ। ये चूल्हा भी बाहर निकाल लिया है, कुकर वगैरह भी मैंने ले लिया है, जो जो सामान मुझे चाहिए था मैंने अपने पास रख लिया है। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक गुजारिश होती है हमारी कि जिन्होंने मेरे चैनल तहरा आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो सबसे पहले करना चाह लेती हूँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काम स्टार्ट करती हूँ। ये चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें डालती हूँ मैं घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक चम्मच कम होगा, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अब घी को अच्छी तरह गर्म कर लो। गर्म कर लिया है तो अब मैंने ये लहसुन और प्याज कटा ही छील के रखा हुआ है ये डालती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब लहसुन प्याज को अच्छी तरह भून लूंगी। लहसुन प्याज में अच्छी तरह भून लिया है। तो अब ये टमाटर मिर्च अभी मिर्च काटने वाले रहते हैं इसी, ये भी काट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसी तरह बस काट के डाल देती हूँ। अगर छोटी 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 करके काटो तो बच्चों के मुंह में आ जाती है छोटी मिर्चें, मिर्च फिर कहते हैं मम्मा हमें मिर्च की लग गई है, इसलिए इसी तरह डाल दूँगी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? ये मेरी प्यारी सी गुड़िया क्या कर रही है साथ साथ? अब टमाटर मिर्चों को भी अच्छी तरह गर्म कर देती हूँ पहले। सबसे पहले तो डालती हूँ नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक चम्मच कम हो जाएगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये है दाल मसाला, ये भी डाल देती हूँ। मसाले कर लेती हूँ मिक्स अच्छी तरह। ये मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। और ये है फिर मसाला मिक्स, ये सारे मसाले मिक्स किए इसमें। ये भी आधी चम्मच डाल देती हूँ।
सा साल्ट पानी डाल लेती हूँ। ये मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह, साल्ट पानी भी डाल दिया तो मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मसालों को भी अच्छी तरह भून लूंगी। मसाले मैंने अच्छी तरह भून लिए हैं, अब डालते हैं इसमें पानी। ये पानी मैंने डाल दिया, अब भूनना शुरू होगा तो फिर इसमें मैं दाल डालूंगी। आजू क्यों आजू? अच्छा, अब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें बाद में दाल डालूंगी। बेटा पानी मैं पी लूंगी, अब साइड पे तो हो जाओ ना। क्या बेटा सालन तो बना रही हूँ, इतनी गर्मी है। सालन पहले पालूं फिर क्या करूं? कस्टर्ड बहुत बार पहले सालन पालूं फिर मकास्टर बना के दूं। और तो बड़ा दिल कर रहा है खाने को, फिर ना किस दिन बना दूं? आज ही बना के दूं, हम तो इतनी ज्यादा गर्मी है। चलो ठीक है बेटा, मैं बना लूंगी। आपका हुक्म सारा मेरे लाल जी। पहले ये दाल डाल लूं ना इसमें, बाद में बना के देते हैं। ये पानी उबलना शुरू हो गया, ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, अब डालती हूँ इसमें पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाल मैंने डाल दी है। अब तक की तकरीबन 10 से 15 मिनट होकर रखेंगे। ये मूंगी की दाल है, ये जल्दी हो जाएगी, चने की दाल से जल्दी नरम हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट ही रखूंगी। मम्मा तो आज थोड़ी सी हल्की कर लेती हूँ, उसे बंद करती हूँ इसे। ये कुकर मैंने बंद कर दिया मम्मा जी। तो आप अब बच्चे मेरे कह रहे हैं मम्मा जी हमें कास्टर बना के दो, तो अब उनको कास्टर भी बना के देना होगा। ये कास्टर का डब्बा मैंने फाड़ दिया था, मम्मा पेटिया ने ऊपर से एक फ्रिज में डाला हुआ है। और ये है चीनी और ये है कढ़ाई। मैं कास्टर भी बनाना शुरू करती हूँ। अच्छे कास्टर बना के देती हूँ जी। अब दाल वाला चूल्हा बंद कर दिया है, अब दूसरा चूल्हा ऑन करती हूँ। तो अब अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करती हूँ। ये लिए मैंने कढ़ाई और ये है 1 लीटर दूध, इसमें 1/2 लीटर डालूंगी। घी नहीं मिर्च पाउडर, एक दूध मैंने डाल दिया है। अब मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ जी। दूध का ही था ना पहले, और अब इस दूध में मैं डाल दूँ चीनी। मैंने थोड़ी चीनी दे, ये चीनी मैंने डाल दी है। दूध को अच्छी तरह गर्म कर लूंगी। इसमें मैंने
दूसरे डब्बे से निकाल कर साथ रखोगे। तो दो चम्मच सरसों के भी साथ ही डाल लेती हूँ। अब अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी इधर ही, फिर जल्दी बन जाएगा। मगर उनकी नमाज का टाइम भी हो रहा है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और अगर बच्चे खुश हो गए तो माँ गर्मी में वैसे ही खुश हो जाएंगे। क्या कर रहे हो ना, रोई से गिर जाओ, इस तरह रोते हैं। चलो तो चार पाई पे बैठो, गर्मी है। ये कास्टर तैयार हो गया, लेकिन दाल अभी थोड़ी सी नरम है, इसे और पकाऊंगी। तो अब रखती हूँ पानी में। ये सालन भी हमारा तैयार हो गया है, मूंगी की दाल। ये दाल भी तैयार हो गई, अब मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के खाते हैं। उतनी देर में कास्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रखा हुआ है, बच्चे आसानी से खा सकेंगे। तो अब मैं बनानी शुरू करती हूँ रोटियां बाद में। पहले मैंने पानी पा के रख लेने दो, बेटा थोड़ा फिर ज़्यादा प्यास लग रही है। अब पकड़ा मैं तेरा पानी। डुल्ले ना तेरा अपना सही करके खुद रखना है, कहाँ जहाँ भी रखना है। ये हमारा खाना तैयार हो गया है, ये कस्टर्ड वगैरह भी ठंडा हो गया है। अब मैं बच्चों को देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिल्कुल बच्चों ने सादा जहा सिंपल जहा कस्टर्ड बना के दिता है, कोई चीज नहीं बेचोर पाई कस्टर्ड दे। चम्मच आपकी आपके पास ही है। तेरी कोई चम्मच नहीं है। खाओ हम तो कबीर बेटे तो बड़ी जल्दी सी ना। ते बच्चे ने मैं कस्टर्ड देता जे, ते मेरे वास्ते जे खाना, क्योंकि मैं दाल दे नाल आई रोटी खाऊंगी, इस वास्ते काफी दिनों तो दिल कर रहा सी खाने वास्ते, ते इतों मिल नहीं सी रही चक चू, ते अज मिली एक दुकान तो ये खाना तो असीं खाते ही रहांगे। ये सी साड़ी आई दी वीडियो जिन्हें भैन भरावों को पसंद है, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर और लाइक करो, नाले साड़े चैनल सबसक्राइब करो। सानू दिओ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।